अवैध बालू के खनन को लेकर शासन हुआ सख्त, प्रशासन ने भी कसी कमर। जिला अधिकारी महोदय द्वारा अवैध बालू के खनन पर जबरदस्त कार्यवाही, जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने खुद संभाला मोर्चा। मामला उत्तर प्रदेश जनपद हमीरपुर का है, जहां पर लगातार हो रहे बालू खनन को लेकर शासन और प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। दो दिन पहले ही हमीरपुर सेंटर खदान पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना द्वारा 6 पोकलैंड मशीन ट्रक और ट्रैक्टर सहित कुछ बालू माफिया भी पुलिस के हत्थे चले थे। उसी क्रम में आज माननीय जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश जी ने कई घाटों पर दबिश डाली और जिले में कड़े लफ्जों में यह आदेश कर दिए हैं कि जहां भी बालू खनन होता पाया गया वहां के अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। इंडिया टॉप न्यूज ब्यूरो चीफ अतीक खान की खास रिपोर्ट हमीरपुर। अवैध खनन हो रहा है और डीएम साहब ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए शायद टीमें बनाई हैं, क्या जानकारी है सर आपके पास? फिलहाल तो बहुत तगड़ी कार्रवाई हुई है डीएम साहब के ऊपर से, ये आप लोग पता भी है। अवैध खनन अगर कहीं अब भी हो रहा है तो आज सुबह भी 5:30 बजे ही डीएम साहब निकल गए थे और एकदम जनपद के एकदम लास्ट चिकासी क्षेत्र में जो उन्होंने छापा डाला था अवैध खनन के विषय में, निरंतर चल रहा है और उसके लिए उन्होंने जो है दिन रात के लिए 16 टीमें रात के लिए और 4 टीमें दिन करके लिए बना दी हैं। जो राट क्षेत्र में पट्टे नहीं थे वहाँ के लिए भी ये चेकिंग के लिए टीमें बना दी गई। जी सर, राट क्षेत्र में बहुत जोरों से ट्रैक्टरों की खरीद हो रही है, इसी चेकिंग आपको 2-1 दिन में परिणाम दिख जाएगा, उसके लिए बनाई गई दिन रात 24 घंटे निगरानी के लिए टीमें। कोई भी जनपद में अवैध खनन अगर हो रहा होगा तो दंडित होगा। सर, सबसे ज्यादा मझुआ थाना क्षेत्र में अवैध खनन होता है, पर्टिकुलर की बात नहीं, पूरे जिले की बात कर रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में होगा वो उसी तरह से व्यवस्था की जा रही है। सर, राज क्षेत्र की जनता के की तरफ से पिछले 1-1.5 साल से बहुत तेज आवाज उठाई जा रही है इस संबंध में, सर्किल रेट के संबंध में, लेकिन वहाँ पे कुछ काम ही नहीं किया जा रहा है सर। बहुत हाई सर्किल रेट है यहाँ पे। मैं पिछली बातें नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान में अगर कोई समस्या है तो उसका निदान किया जाए। जी, धन्यवाद।